पहली बार करवाए जा रहे इस कार्यक्रम का थीम है गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने की दिशा में एक कदम। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रशासक के सलाहकार विजय कुमार देव ने दो लंबित पड़े मुद्दों को हरी झंडी दी है, जिसमें आशा वर्कर स्कीम को मंजूरी दे दी गई है। दूसरा, स्ट्रीट वेंडर एक्ट के लाइसेंस के लिए एक कार्यालय नगर निगम में बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा उन्होंने की है। इन घोषणाओं पर नगर निगम की महापौर ने सलाहकार का आभार व्यक्त किया। सभी वर्कर्स को हम आशा के तहत क्यों नहीं लेते? पहले होम सेक्रेटरी साहब से मैंने बड़ी बार तागीद की, मेरे से पहले भी की होगी, लेकिन सर अगर इन सभी वर्कर्स को हम आशा के माध्यम से जागृत करें और इन सभी यूनिट को उनसे मर्ज कर दें और उनको आशा की एक और किरण लोगों की राह तक दिखाएं, तो ये सर छोटा सा काम है। और इन सभी यूनिट्स से हम आशा में अगर इनको ले लेते हैं तो चंडीगढ़ को स्मार्ट बनने में, स्मार्ट सिटी बनने में, स्वच्छता में, डेंगू में, किसी भी आपत्ति और अभी इमरजेंसी सर्विसेज में कभी कमी नहीं रहेगी। नगर निगम के सामाजिक विकास अधिकारी विवेक त्रिवेदी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न एजेंसियां द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और नगर निगम भी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि पहली बार विश्व गरीबी दिवस के अंतर्गत देश की सभी एजेंसियां एंटी पॉवर्टी वीक मना रही है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना ताकि एकजुटता बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है। इसका पर्पस यही था कि सभी लोग मिलके इकट्ठे हों और अलग अलग एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, एनजीओज मिलके इस प्लेटफॉर्म पे आएं। और हमने पूरे हफ्ते को एक एक दिन तय करके दिया हुआ है। आज जैसे लॉन्च के समय, आज ये पूरा दिन हमने एक वर्कशॉप दी हुई है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के ऊपर कार्य करेगी। ऐसी जो और दूसरी एक्टिविटीज इस हफ्ते में आएंगी, वो आएंगी जैसे स्किल ट्रेनिंग के ऊपर आएगी, कौशल प्रशिक्षण पे, कोई दिन जो है हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कार्यशाला करेंगे जिसमें होम सेक्रेटरी सर आएंगे, और उसमें बैंकों के लिए हम ये वर्कशॉप करेंगे जिससे कि जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे टारगेट्स होते हैं उनको अचीव कैसे हो, गरीबों को लोन कैसे मिले, तो उसके ऊपर बल दिया जाएगा। एक कड़ी में हम स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर कार्यक्रम करेंगे। ऐसी ही कड़ी में हम जो है सामुदायिक विकास और अलग अलग क्षेत्र में पूरा हफ्ता हम सेलिब्रेट करेंगे।